हाँ जी रजी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे इज योर लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसका टॉपिक है रजी मैनेजमेंट प्रोसैस। तो सब तो पहला आप गल करांगे जी कि मैनेजमेंट प्रोसैस होंगी की है। तो रजी, जिस तरह आपको पता है कि मैनेजमेंट का तुम्हें मीनिंग क्लीयर होगा कि जो आप किसी भी काम को सिस्टमैटिक वे कुछ रूल्स न कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं उन्होंने आप बोलते हैं मैनेजमेंट। तो जिहड़ा परसन इस मैनेजमेंट का काम करता है उस परसन को बोलिया जाता है रजे मैनेजर। तो मैनेजमेंट की प्रोसैस की होंगी रजे कि जिस वे दे नाल के सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ ने जिहड़ियां एक बिजनेस दीआं कीतीआं जाणगीआं उन्हां नूं बोलिया जाता है मैनेजमेंट प्रोसैस। तो सब तो पहला रजे हैगे ने तुहानूं फीचर्स ने गीआं मैनेजमेंट प्रोसैस दीआं। सब तो पहली हैगी है सोशल प्रोसैस। तो मैनेजमेंट नूं एक सोशल प्रोसैस रिगार्ड किया जाता है क्योंकि जो मैनेजमेंट है कि वह की करती है सोसाइटी के उत्ते रूल करती है। इट मीनस दैट कि मैनेजमेंट उत्थे की जाऊगी जिते ग्रुप ऑफ पीपल होणगे, ते जिते ग्रुप ऑफ पीपल कितों आते हैं वो आते हैं अपनी सोसाइटी के विचों। तो सैकेंडली है रजे कॉन्टीन्यूस प्रोसैस कि जिहड़ी मैनेजमेंट है वह कॉन्टीन्यू की है चलती रहती है, जिहड़ा इसका साइकल है वह मतलब कि भी नहीं रुकता। इस तो इलावा इस जिहड़ियां मेन प्रोसैसिज होंदियां ने उन्हां दे अंडर की होणगियां सब प्रोसैसिज होणगियां। थर्ड है रजे यूनीवर्सल के मैनेजमेंट नूं आपां एक यूनीवर्सल फिनोमिना मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं हैगा कि इनू आपां किसी कंट्रीज़ दे सॉरी अपने बाउंड्रीज़ दे विच इनू कन्फाइंड कर दिंदे आ, क्योंकि इट मीनस दैट कि जिहड़ियां मैनेजमेंट दीआं प्रोसैसिज ने एक जोग्राफिकल एरिए दे उत्ते बेस्ड नहीं हुंदियां। जो मैनेजमेंट दीआं प्रोसैसिज आपां अपने एरिया दे विच कर रहे हां उह ही वर्ल्ड वाइडली उही चलदियां ने। ते इस तों इलावा फोर्थ पॉइंट है रजे इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब की हुंदा है कि किसी काम को करन दी फ्रीकुएंसी अपनी किन्नी है, कि जो किसी वर्क नूं वधिया ढंग दे नाल करन दे लई आपां उहनूं की करदे आ रैपीटेशन दे विच रखदे आ। तो सेम की है कहिंदे जिहड़ी मैनेजमेंट की प्रोसैस है उस दे विच की हुंदा जे कि एक वर्क जो फिनिश हो जाता है जां एक फेज़ नूं तुसीं फिनिश कर दिंदे हो उस तों बाद ही जो सैकेंड फेज़ है वह स्टार्ट हुंदा है। तो मतलब जिवें लगा लो कि मैनेजमेंट दे विच सब तो पहला तुसीं की करदे हो प्लानिंग हुंदी है ना, फिर ऑर्गेनाइजिंग हुंदी है, फिर डायरेक्टिंग हुंदी है, फिर कंट्रोलिंग हुंदी है। मतलब की है सारा कुछ एक सिस्टमैटिक वे दे नाल चलदा रहिंदा है। यह नहीं हैगा कि मैनेजमेंट की प्रोसैस में तुसीं कंट्रोलिंग तो शुरू करके प्लानिंग तक लैके जाओगे। फिफ्थ है रजे कंपोजिट। कहिंदे जिहड़े मैनेजमेंट के सारे फंक्शन हो गए वो कि ने एक दूसरे के नाल कंपोजिट होंगे ने इंटीग्रेटेड होंगे ने। इस तो इलावा इन्हां फंक्शन तुसीं की कह सकते हो कि एक दूसरे के उत्ते डिपेंड होंगे ने, कि मतलब जो एक फंक्शन पूरा हो जाता है तो उसनों एनालाइज करन दे लई सैकेंड स्टैप है जिहड़ा उस दे विच इनवॉल्व होंदा। आफ्टर दैट है रजे क्लासीफिकेशन है मैनेजमेंट फंक्शनस की। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਗੈਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਹੈ ਰਜੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਹੈ ਰਜੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ। ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਰਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਦਰ ਗੁਲਿਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਕੋਪ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਫਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਜਟਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂਨਸ ਅਤੇ ਓਡੋਨਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ।
ਰਾਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਲਾਨਿੰਗ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਟਾਫਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਆਫਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਟੇਬਿਲਟੀ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਐਸੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ ਗਏ, ਅਪਰੇਜ਼ਲਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੀਡਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੈ ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 'ਤੇ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕੋਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਕਾਸਟ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮੈਜ਼ਰ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰੀਅੰਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
उस तो बाद गल करते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट फंक्शंस। ये आप पहला भी गल कर चुके हैं कि जिहड़े मैनेजमेंट के जिन्हें फंक्शन होंगे वो सारे की ने एक दूसरे के उत्ते डिपेंड करते हैं। इट मीनस दैट कि जो इनू अपने इटरेटिव कहता तो इटरेटिव का मतलब की होंगे कि एक वर्क खत्म हो गया उस तो बाद सैकेंड कम है जो स्टार्ट हो जिमें फॉर एग्जाम्पल आप प्लैनिंग लैके स्टार्ट करते हैं। प्लैनिंग तो बाद जो स्टैप आऊगा ऑर्गेनाइजिंग का आऊगा, फिर स्टाफिंग आऊगी, फिर डायरेक्टिंग आऊगी, फिर कोऑर्डिनेटिंग आऊगी, उस तो बाद कोऑपरेशन आऊगा, आफ्टर दैट की आऊगा एनालाइज आऊगा, लास्ट के उत्ते जाके करते हो कंट्रोलिंग करते हो, है ना। तो सेम ही जी प्रोसैसर है जी चलती है अपनी मैनेजमेंट के आफ्टर दैट थोड़ा कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब की होंगे जे जदों आपां सैंक्रोनाइजिंग के जड़ियाँ एक्टिविटीज़ नेगियाँ अलग अलग परसनस दियाँ उन्होंने की कर देंगे एक सिस्टेमैटिक वे दे नाल रखते हैं। इट मीनस दैट कि जदों अपने जिहड़े सारे ह्यूमन रिसोर्स ने ठीक है काम दे विच हुंदे नेगे तां उन्हां दे वर्क नूं इस हिसाब नाल सिस्टेमैटिक वे दे नाल आपां ने मैनेज करना हुंदा है ताकि जो बिजनेस दे डिजायर्ड रिजल्ट्स ने आपां उन्हां नूं अटेन कर सके, ठीक है। कि जिन्या हुण बिजनेस दियाँ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे विच हुण अपना जिवें पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हुंदा एक फाइनैंशियल ईयर हो गया, ठीक है। तो जिहड़ा फाइनैंशियल ईयर होगा थ्रू आउट द ईयर आपां ने की कुछ कीता किन्नी अपनी कॉस्ट आई है किन्नी अपनी उस दे हिसाब नाल इनकम रही है तो उन्हां दा वेरिएशन किन्ना क्योंकि जिहड़ा प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज है वह इन चीज़ों तो मैजर की जाती है। तो उस तो बाद जे डेफिनेशन दी हुई है तुहानू, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की। उस तो बाद जे आपां गल कर देंगे कोऑर्डिनेशन दा सेंस ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट दे विच कहिंदे कोऑर्डिनेशन जरूरी है तो वह क्यों जरूरी है। तो सब तो पहला तो की रजे कि ह्यूमन दिया एफर्ट्स नूं आपां की कर देंगे एक सिस्टेमैटिक वे दे नाल लैके लिखते हैं क्योंकि जे अपने कोल एक सिस्टम होगा सारा कुछ एक सिस्टेमैटिक वे दे नाल चलूगा ओनली दैट आपां डिजायर्ड रिजल्ट्स ने जिहड़े उन्हां नूं अचीव कर सकते हैं। सैकेंडली की है रजे एवरी बिजनेस फंक्शन हैज़ सम ऑब्जैक्टिवस कहिंदे हर एक बिजनेस के काम नूं करन दे लई एक्टिविटीज़ नूं करन दे लई अपने कुछ ऑब्जैक्टिवस हुंदे ने ते उन्हां ही ऑब्जैक्टिवस नूं पूरा करन दे लई अपने कोल उन्हां दे विच की है कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो इस तो अलावा की है जी कहिंदे जिहड़ियां बिजनेस दियां एक्टिविटीज़ ने जेकर उन्हां दे विच कोऑर्डिनेशन होगा कि आपां नूं सुटेबिलिटी पता होगी तो ही आपां जिहड़ा एक बिजनेस है वह वधिया ढंग दे नाल काम है जिहड़ा वह कर सकदे। उस तो बाद रजे आता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन ते कोऑपरेशन दोनों के डिफरेंस तो तुहानू पता चल ही गया। कोऑर्डिनेशन की हुंदा है कि यह चीज़ देखना कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर दे सुटेबल हैगा कि नहीं हैगा। जिवें फॉर एग्जाम्पल आप मशीनस की गल कर लो कि मशीनस के उत्ते वर्क करना है तो उस दे लई अपने कोल की है एहो जी लेबर चाहिए जिन्हों उस मशीन की नॉलेज होगी, ठीक है। मतलब कि दोवें फैक्टर एक दूसरे के कंपैटिबल होण। ते जिहड़े कोऑपरेशन हुंदा कोऑपरेशन हुंदा रजे हैल्पफुल, ठीक है, कि हेल्प दे नाल काम करना सहयोग कह दें जिन्हों तुसी पंजाबी दे विच कि एक दूसरे की हेल्प करना। हुण इस दे विच तुसी की कह सकते हो कि जिवें हुण कोई परसन है वह नवा लग्या काम दे उत्ते तां उहनूं सब तो पहला की कीती जांदी है ट्रेनिंग दिती जांदी है। इस तो इलावा की है कि जिहड़े दूसरे डिपार्टमेंट्स ने जिहड़े परसन नूं वधिया नॉलेज है ना वह परसन उहनूं की करदे ने उसकी एक्टिविटी दे विच हेल्प करदे ने। उस तो बाद राजे कुछ प्रिंसीपल्स हैगे ने तुहाडे कोऑर्डिनेशन दे जिवें सब तो पहला है राजे तुहाडा प्रिंसीपल ऑफ डायरैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो कोऑर्डिनेशन का ये वाला प्रिंसीपल की कहिंदा है कहिंदे जो अपना डायरैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है वह होना चाहिए। इट मीनस दैट कि जिवें हुण दो फैक्टर्स की आपां गल करते हैं कि मशीनस ते अपनी मैन पावर होगी तो दोवां दे विच जे डायरैक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए फिर ही एक दूसरे दे नाल ये चीज़ नूं देख सकते हैं ना कि वह कंपैटिबल हैगे ने जां नहीं हैगे। सैकेंडली है राजे प्रिंसीपल ऑफ अर्ली बिगनिंग। तो ये वाले प्रिंसीपल दे विच वो की कहिंदे ने कहिंदे जिहड़ियां अर्ली बिगनिंग का मतलब की होगा राजे जिथे तुसी की करदे हो अपनियां पॉलिसीज़ नूं फ्रेम करदे हो कहिंदे जिहड़ियां पॉलिसीज़ ने तुहाडियां वह स्टार्टिंग दे विच होनियां चाहीदियां नेगियां। हुण मतलब जो भी आपां ने फोरकास्ट कीता उस दे बिहाफ दे उत्ते जिहड़ी प्लैनिंग होगी वह अपनी स्टार्टिंग तो ही शुरू होनी चाहीदी है। उस तो बाद राजे थर्ड पॉइंट आता प्रिंसीपल ऑफ रेसीप्रोकॉल रिलेशनशिप। तो राजे जो रेसीप्रोकॉल रिलेशनशिप्स होंगे ने गे उन्होंने आप कह दें कि जिहड़ियां चीज़ा एक दूसरे के उत्ते रिलेट कर दियां ने
तो हुण इस दे विच की हुंदा है कहिंदे एक कंपनी दे विच जिन्ने भी परसन काम करदे ने उहनां दे जिहड़े वर्क ने उह एक दूसरे दे उत्ते की है डिपेंड करदे ने। इट मीनस दैट कि एक कंपनी दे विच अलग अलग डिपार्टमेंट हुंदे ने परचेज दा, सेल दा, है ना, ते इस तों इलावा जो अपने अकाउंट्स दा, फाइनांस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन दा, मटीरियल दा, तो यह सारे डिपार्टमेंट्स की है एक दूसरे के सहारे चलते हैं। ठीक है, तो मेनली यह किस चीज़ के सहारे चलते हैं, फाइनांस डिपार्टमेंट। उस तो बाद आ गया जी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, तो जो कोऑर्डिनेशन है कॉन्टीन्यू चलता रहता है। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन ये नहीं है कि एक बिजनेस स्टार्ट हो गया तो शुरू दे विच तुसी परसनस दे विच जा फैक्टर्स दे विच कोऑर्डिनेशन रख लिया तो बाद दे विच थोनू लोड़ नहीं, क्योंकि बिजनेस है जो एक कॉन्टीन्यू प्रोसैस, सो कोऑर्डिनेशन भी इसने सारे ही टाइम पीरियड दे विच नाल चलता रहेगा। तो रजे उस तो बाद है इंपोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की, तो सब तो पहला है रजे गुड परसोनल रिलेशनस, कि जो एक बिजनेस के कोऑर्डिनेशन होगा रजे तो जो ह्यूमन रिसोर्स ने गे उन्होंने जोड़े रिलेशनस होने आपस के वधिया हो। ठीक है, क्योंकि जोड़ा कोऑर्डिनेशन है कोऑर्डिनेशन फिर ही होगा जो उन्होंने कोऑपरेशन की जो फीलिंग है स्पिरिट है वह होगी। सैकेंडली है रजे यूनिटी ऑफ डायरैक्शन, तो कोऑर्डिनेशन किस चीज़ के हेल्प करता है, यूनिटी ऑफ डायरैक्शन। इट मीनस दैट कि जेकर कोऑर्डिनेशन होगा तो बैटर ढंग के नाल जो तुहानू डायरैक्शनस नेगियां वह दित्तियां जा सकदियां ने, क्योंकि डायरैक्शनस उत्थे ही काम करनगियां जिथे वधिया कोऑर्डिनेशन है, वधिया जो सारा सिस्टम है एक वधिया वे दे नाल चल रहा है। थर्ड है रजे इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसेंस आप कह दें रजे जरूरत, कि मैनेजमेंट की जरूरत है कि उस दे जो प्रोसैसिज ने उन्होंने की होवे कोऑर्डिनेशन होवे। एफिशिएंसी एंड इकोनमी, एफिशिएंसी एंड इकोनमी का की मतलब है, इकोनमी रजे आप बोल दें कि जिहड़ी चीज़ की है अपने टाइम ते एनर्जी नू सेव करती है, इकोनॉमिक बोल दें ना उन्होंने। तो इस तो इलावा एफिशिएंसी की है कि एक बिजनेस है जिहड़ा वधिया ढंग दे नाल वर्क कर सकता है जेकर सारे ही फैक्टर ने जिहड़े कोऑर्डिनेट किए हुए हैं, जिवें हुण आपां ने मशीनस ते परसन की गल की सी कि एक दूसरे के कंपैटिबल होने चाहिए ने, जेकर वह एक दूसरे के कंपैटिबल ना हो, उस परसन नू उस मशीन बारे कोई नॉलेज ना हो, दैन वो वधिया वर्क नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने उस परसन में एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इस दे नाल की होगा रजे कि जो अपना टाइम है वो भी वेस्टेज होगी तो एनर्जी की भी वेस्टेज होगी। तो फिफ्थ पॉइंट है जी हेल्पफुल इन डेवलपिंग एंड रिटेनिंग ऑफ परसोनल, के एक परसन की जो इंटरनल कपैसिटी है उसनों की करते हैं डिवेलप करते हैं, तो इस तो इलावा जो उन्हों की परफॉर्मेंस है, ठीक है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने अगलिया अचीवमेंट्स के भी अपना पार्ट अदा करता है। इट मीनस दैट कि जो वधिया कोऑर्डिनेशन होगा तो वह वधिया वर्क करनगे, तो हुण जिहड़े परसन वधिया वर्क करते हैं उन्होंने अगे प्रमोशन वगैरह होगी, है ना, तो इस तो इलावा उन्होंने जो पे स्केल ने वह वधिया होणगे, है ना, जिवें कहा जाता ना कि किसी काम के जे आप एक्सपीरियंसड हाँ तो अपनी कंपैरिजन तो अपनी जिहड़ी सैलरी होगी दूसरे परसन के कंपैरिजन वध होगी। उस